नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए आठवीं बार एशियाई चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। भारत ने 30 जून को कोरिया के बुसान में खेले गए फाइनल मुकाबले में ईरान को 42-32 के बड़े अंतर से हरा दिया। चैंपियनशिप जीतने के बाद भारतीय पुरुष कबड्डी टीम वापस लौटी। दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रशंसकों और परिवार ने टीम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान हमारी सहयोगी निधि ने खिलाड़ियों और उनके कोच से खास बातचीत की और उन्हें जीत की बधाई दी। देखिए, ईरान को हराकर देश का नाम रोशन करने वाली कबड्डी टीम आने वाली है और साथ ही उसका स्वागत करने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। लोग नगाड़े बजा रहे हैं, मालाएं लेके खड़े हुए हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए और हम उनसे सवाल पूछे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कुमार, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा से। हरियाणा से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद? देखो, अभी अच्छा लग रहा है। अभी बड़ी जीत तो एशियन गेम है, उसको जीत के वो है सबसे बड़ी जीत, तो बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा को हराया हमने, काफी अच्छे पॉइंटों से हराया, काफी खुशी है हमें। इस जीत के बाद आपके आगे का प्लान क्या है? बिल्कुल, अभी एशियन गेम है सितंबर में, वही है हमारा टारगेट, वहाँ गोल्ड लेके आना है एशियन गेम में इंडिया के लिए। आप लेके आएंगे भी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आप 8 बार जो है ना लीड कर रहे हैं टीम आप, तो कैसा लग रहा है आपको ऐसे जीत हासिल करने के? वो काफी अच्छा लग रहा है, ये इंडिया का गेम है और इंडिया कंटिन्यू 8वीं बार फिर से गोल्ड मेडल लेके आया है और आने वाले एशियन गेम में भी बिल्कुल गोल्ड मेडल लेके आएगा इंडिया। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भास्कर है। आपको कैसा महसूस हो रहा है अपनी टीम के लिए? गौरवान, बहुत ज्यादा गौरवान। एक्चुअली 2018 में जो एशियन 18 में जैसे गेम्स हुआ था उसमें हमें ईरान से हार का सामना करना पड़ा था, तो तब से हम काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में जितना भी कबड्डी चाहने वाला भी खेलने वाला भी कोच भी सभी ऐसे था कि एक जीत हमारे लिए बहुत जरूरी है एशियन गेम्स से पहले, ताकि पूरा प्लेयर का मोराल अप रहे और एशियन गेम्स को हम उसी मेडल के हिसाब से ही हम उसको पार्टिसिपेट करें और गोल्ड मेडल लेके आ जाए। तो ये जो बात हुई है अभी, ये जो चैंपियनशिप हुई है, हमने 2 बार हमने ईरान के साथ खेला, तो दोनों बार हमने जीता भी है और काफ़ी पॉइंट का मार्जिन से जीता है, तो पूरे टीम के अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना है। वो कोऑर्डिनेशन नहीं हमें आगे के लेके जाएगा, तो एशियन गेम्स के लिए अच्छा। जब आपका गेम दो आखिरी पड़ाव पर था, लास्ट में जब ऐसा मूवमेंट था कि हारेंगे या जीतेंगे, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? नहीं, हमने एक्चुअली अच्छा तैयारी करके गया था। शुरुआत में जब सर 19 पॉइंट की लीड गया, 14 पॉइंट तक हमने लीड बना के रखा, लास्ट में नॉर्मली हो जाता है कभी कभी, हमारे लिए जीत ही था हमारे लिए, हम दूसरा कोई पोजिशन सोच नहीं सकता था, तो कभी कभी मैच में हो जाता है, कभी कभी जो हम प्लान करते हैं वो प्लान कभी कभी फेल हो जाता है, तो ऐसे एक दो मिस्टेक आ गया था, लेकिन जो लीड है 10 पॉइंट का वो बना के रखा हमने, वो ये काम में अच्छा हुआ। आपके प्रदेश से, आपके देश से ऐसा स्वागत हो रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि लोगों ने कबड्डी को पहचान रहे, कबड्डी प्लेयरों को पहचान रहे और कबड्डी आज वो मुकाम पर है कि हर कोई कबड्डी को चाहता है पूरे हिंदुस्तान में। इवन हमारा प्रधानमंत्री जी ने भी अभी ट्वीट किया है, बधाई दी है हमारे को, तो ये सब हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक हौसला बुलंद हो जाएगा कि आगे जो टारगेट हमारा एशियन गेम्स का, उसमें मेडल जरूर लेकर। प्रधानमंत्री जी ने आपको विश किया, आपको शुभकामनाएं दी, कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान का है, हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमें विश किया है, वो बहुत ऐसे एक ही मैं कह नहीं सकते, इतना हम उसको फील कर रहे हैं पूरा। आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट हमारे एशियन गेम्स है, उसके प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपका, हमारी भी शुभकामनाएं कि आप आगे तक जाएं और जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब हमारे देश में हम आते हैं और जब गोल्ड मेडल लेते हैं, जब तिरंगा झंडा फहराता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तो हमारी सीमा है ना वो खून के चौड़ी हो जाती है। इसलिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपके खिलाड़ी लगातार 8 बार जीत हासिल किए हैं, लगातार जीत हासिल की है आपकी टीम ने? हाँ, निश्चित तौर पे हमारी टीम ने लगातार जीत हासिल की है और ईरान को हमने 2 बार हराया है, तो निश्चित तौर पे हम बेहतरीन प्रदर्शन खेल के ये मुकाम पाया है। अच्छी भूमिका रही, सभी प्लेयर अच्छे खेल लेते और हमारे मिलजुल कर अच्छा बढ़िया प्रदर्शन रहा सभी प्लेयर का। और गोल्ड 8 बार आप लोगों की आपकी टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, जहाँ तक हमने देखा हुआ है, और देश का नाम रोशन किया है आपने, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, और ये जोर जोर से हमारा स्वागत हो रहा है, इससे भी बहुत खुशी मिली। जो देशवासियों ने मेरा आशीर्वाद दिया, हम उस पर खड़े उतरे हैं। जो देशवासियों का हमारे सिर पर आशीर्वाद था, हमने पूरा करके दिखा, जो हमारा सपना था वो पूरा किया है। प्रैक्टिसिंग के दौरान सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मुहैया हुई? बहुत अच्छी सुविधा हो रही है, जो कि प्रैक्टिस में जो हमें मिल रहा है सब कुछ अच्छा मिल रहा है। चैंपियनशिप की इस सील के साथ आपको कैसा महसूस कर? इस ट्रॉफी के साथ तो सभी प्लेयर्स अच्छा महसूस करते हैं, तो मैं भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ट्रॉफी अपने पास है, इंडिया के पास है। मैच के दौरान जब ऐसा पड़ाव था कि आप जीतेंगे या हारेंगे, उस दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा? हार की तो सोच थी नहीं, तो यही था कि वे जीतेंगे, कोई बात नहीं, रिवाइव थोड़ी लेट होगा लेकिन रिवाइव कर देंगे डिफेंस, क्योंकि मुझे ट्रस्ट था डिफेंस पे, वो अच्छा करेगा, मुझे ट्रस्ट था। जैसे कि 8वीं बार आप जीते हैं और ये खिताब हासिल कर रहे हैं, आगे क्या टारगेट है? टारगेट अभी एशियन गेम का है, कि आने वाला एशियन गेम आफ्टर 3 मंथ्स है, तो उस पर हमारा फोकस है। एशियन गेम में पिछली बार गोल्ड मेडल से हम चूक गए थे, तो फोकस हमारा वहाँ है। इस बार आप वो जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे और गोल्ड मेडल जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जो टारगेट हमारा गोल्ड मेडल का ही है और वो हम अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। असलम जी, आप ईरान को हरा के भारत का नाम रोशन करके इस जीत को हासिल करने के बाद कैसा महसूस? काफी खुशी है जी, पूरे करोड़ लोग गिनी गए थे, इंडिया के लिए मेडल फाइनल में आई गई और वो हमने सब टीम में अच्छा परफॉर्मेंस करके इंडिया के लिए मेडल लाया, और काफी खुशी की बात है इंडिया के लिए जी। मैच के दौरान जब ऐसा पड़ाव था कि जीत होगी या हार होगी, उस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं था जी, अपना पहले से लीड था इंडिया टीम का ईरान टीम पे, तो बस थोड़ा डिफेंस हड़बड़ा गया था, पर कोई नहीं, बाद में तो ठीक हो गया और लास्ट में अपने 10 पॉइंट से मैच जीत लिया जी। आगे क्या उम्मीद है अपने आप से, अपनी टीम से, कि क्या आगे टारगेट को पूरा कंप्लीट करेंगे और क्या टारगेट है? आगे तो बस यही है कि एशियन गेम्स में इंडिया के लिए मेडल लाए और अच्छा परफॉर्मेंस करके, उसके लिए अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करके, कैंप में अच्छी प्रैक्टिस करके इंडिया के लिए फिर एक बार मेडल लाएंगे जी। देवराज चतुर्वेदी, आप क्या भूमिका निभाते हैं इस टीम? मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ, कंटिंजेंट हेड था, जो अपनी टीम गई थी उसके लिए फेडरेशन की तरफ से। आप कैसा महसूस कर रहे हैं टीम के लिए? देखिए, अब तो वो एहसास चला गया, आप ये सवाल अगर मेरे से कोरिया में पूछते तो मैं ज्यादा बेहतर बता सकता था, लेकिन अभी भी मेरे गूस पिंपल्स खड़े हैं। 2018 की जो हमारी हार थी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे कोचेज ने दिन रात मेहनत करके, एकजुट होकर के ईरान जैसी सशक्त टीम को 2 बार हराया, तो इसलिए मुझे अपने खिलाड़ियों पे गर्व है, अपने कोचेस पे गर्व है, और इसके बाद अब हम एशियन गेम्स हमारा अगला लक्ष्य है, और फेडरेशन ये चाहेगी कि हम हर हालत में एशियन गेम्स में जो हमारा गोल्ड पिछली बार गया था उसको वापस लेके आए। पूरा विश्वास है कि आप जीतेंगे, क्योंकि 8वीं जीत है ये इंडिया की अभी। हाँ जी, एशियन चैंपियनशिप्स में जहां तक मुझे याद पड़ता है, इंडिया शायद एक बार हारा था बहुत पहले, लेकिन जब से मैं कबड्डी में हूं तब से हम नहीं हारे हैं। इससे पिछली एशियन चैंपियनशिप 2017 में, उसका भी मैं गवाह हूं, तब भी मैं कंटिंजेंट हेड था और तब हमने पाकिस्तान को हरा के गोल्ड लिया था। तो प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी का, और ये उन्हीं का नेतृत्व है कि देश तरक्की कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि वह उनको ऐसी ही बधाइयां देने के बहुत सारे अवसर हमारे खिलाड़ी देंगे। So what is your name? My name is Kumaresan from Tamil Nadu, international and pro kabaddi referee. Now time I will going to Korea, South Korea, Busan, 11th Asian Kabaddi Championship, India and
participating. But very crucial matches, this Asian Kabaddi Championship. Iran is, India is, both team is very difficulty, tough team, and tough matches, both matches. League match mein, India, Iran already played, but very last one minute difficulty timing, India is winning, 5-point lead. Same final match mein, both team is final entered. Final match mein, very, very crucial. But India and Iran matches time, no Indian official not posting, referee. But International Kabaddi Federation, Asian Kabaddi Federation is selected with me. I am umpire, main umpire duty. But both team is very crucial matches, tough matches. Last beginning, last 2 or 3 minutes, Indian team is winning. On that type, what do you think? What was your thinking? My, very, very, very nervous. But I am only referee means judgment. My judgment is very bilkul. But we are association members, Korean support, all is support with me. Your voice wife was telling you that we will win and now yes. We won that. Yes, brought of you India. India is very, 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 very big, good playing. Playing means all team players is very supported with the coach and managers. We are all Indian people, all is supported with India winning. I am very happy. Since India is win too. We are all people, Indian people, all is very, very happy. Sir, आप ऐसे कोच अपने प्लेयर की इस जीत पर क्या महसूस करते हैं अपने प्लेयर के लिए? मुझे अपने प्लेयरों पे पूरा यकीन और विश्वास है, जैसी उन्होंने प्रैक्टिस की ऐसा प्रदर्शन करेंगे और निश्चित तौर पे हमारी टीम ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आगे और अच्छी प्रैक्टिस करके एशियन गेम में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये मुझे पूरा प्लेयरों पे यकीन है। ट्रेनिंग के दौरान कैसा माहौल रहा आपका और प्लेयर्स के बीच? ट्रेनिंग तो हमारी बहुत सख्ती के साथ लागू होती है, तो प्लेयर्स का रोल होता है वो प्लेयर्स करते हैं, कोच का रोल होता है वो कोच करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान तो कोच और प्लेयर में जो होता है वैसी ट्रेनिंग होती है और कंपटीशन के अंदर थोड़ा अलग हो जाता है, तो ट्रेनिंग में हमारी बहुत सीरियस और बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। उस दौरान आपको कोई दिक्कत हुई आपके और प्लेयर्स के बीच में, कोई ऐसी कोई दिक्कत है कि आप नहीं कर रहे हो या कुछ? नहीं, कभी नहीं। हमारी जो टीम है ये मैंने पहली बार देखा है कि बहुत ही सीधे साधे बच्चे हैं, बहुत ही वेल डिसिप्लिन है और बहुत ही अपनी ज्यादा प्रैक्टिस में विश्वास रख के, दाएं बाएं की चीजों में कोई विश्वास नहीं रखते, अपनी प्रैक्टिस पे विश्वास करते, आगे बढ़ने का काम करते। आगे का क्या टारगेट है, आगे का क्या गोल है, लक्ष्य है अपनी टीम को लेके? भारतीय कबड्डी टीम अभी आने वाले एशियन गेम में पार्टिसिपेट करने जा रही है, सितंबर अक्टूबर में गेम है और हमारा सिर्फ ही सिर्फ टारगेट एशियन गेम का गोल्ड मेडल लेना है। जैसे कि टीम जो है ना ऐसे प्ले भी कर रही है और उनका प्रदर्शन भी ऐसा दिख रहा है कि आगे जाके वो भारत देश का जो है ना नाम रोशन करेंगे और साथ में आपकी भी वही कोशिश है, हमारी भी वही शुभकामनाएं आपके साथ। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्वीट करके आपको बधाइयां दी हैं, अपनी टीम को बधाइयां दी हैं, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कबड्डी ईरान को हराकर भारत आया है और प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, इसके लिए हम पूरी टीम और पूरे देशवासी प्रधानमंत्री जी के बड़े आभारी हैं। इतनी बड़ी जीत के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी हो रही है, ऑब्वियसली गर्व फील हो रहा है खिलाड़ियों पे, कोचेज पे जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, और बधाई देना चाहूंगी मैं AKFI को कि उन्होंने इतनी मेरिटोरियस डेडिकेटेड टीम भेजी है, तो सभी बधाई के पात्र है। कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और ये एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट स्टेज है जिसमें खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, बिल्डअप हुआ है, और ये आगे आने वाले एशियन गेम्स में हमें काम भी आएगा और आने वाले टाइम में हम ईरान को इतना ईजी नहीं लेके चलते हैं क्योंकि ईरान में काफी कबड्डी का डेवलपमेंट हुआ है और ऑलमोस्ट इंडियन जैसे ही वो लोग खेलते हैं, तो एशियन गेम्स अभी हमारी नेक्स्ट परीक्षा है वो सितंबर में है। क्या लगता है खड़े उतरेंगे हम आगे भी जाके? कोशिश जरूर करेंगे और कोशिश करने वाला ही कामयाब होता है। लगातार 8वीं जीत हासिल की है टीम ने, तो उस दौरान आपको थोड़ा बहुत ये भी होगा कि आगे जाके हम जीत भी हासिल करेंगे? बिल्कुल, देखो जीत तो जीत होती है, पिछला एशियन गेम्स का हम गोल्ड हार गए थे तो ये हमारे लिए जीत बहुत मायने रखती है और हर खिलाड़ी के दिल में और कबड्डी फ्रेटर्निटी के दिल में एक ट्रेस थी कि कबड्डी का गोल्ड ईरान को चला गया तो हम वापस लेके आए और
क्योंकि हम हॉकी में 50 साल बाद वापसी की थी, एक बार गोल्ड हमारे हाथ से निकल गया था, तो कबड्डी में हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम भारत अपना कबड्डी पे अपना बेताज बादशाह बनने की अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे और खिलाड़ियों में वो दमखम है और जो मेरिट पे जो खिलाड़ी हैं टोटल बहुत अच्छे जो टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं वो लगातार सेलेक्ट होकर आगे जा रहे हैं, तो कबड्डी का आज आने वाले समय में बहुत अच्छा एक रुतबा बनता जा रहा है विदेशों में और मोस्ट प्रोबेबली कि आने वाले ओलंपिक्स में भी कबड्डी को शामिल किया जाए। ये मेरी भी अपने प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट है कि कबड्डी को ओलंपिक में शामिल करने की सारी कवायद की जाए। यस मंत्री, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उनको बधाइयां दी है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? वो तो हमारे लिए बहुत गर्व का पल है कि जब प्रधानमंत्री जी से अगर किसी खिलाड़ी के लिए और जीत के ऊपर अगर कुछ आता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सरकार की जब प्रैक्टिस चल रही थी तो सरकार की तरफ से कैसी सुविधा मुहैया हो रही है प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को, जो एशियन गेम्स की एक हाई लेवल की परफॉर्मेंस की तैयारियां चल रही हैं और वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से पूरी तरह पूरा सहयोग मिल रहा है और वो पूरी फोकस्ड है, टारगेट को अचीव करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बाकी भगवान हमारे साथ है। तो महिला कोच हैं, महिला कोच रही भी हैं, तो उस हिसाब से प्लेयर्स के लिए अब क्या सोचते? देखो खिलाड़ियों की आज हमारा बेसिक पूल थोड़ा बड़ा है, खेलो इंडिया है, फिट इंडिया मूवमेंट है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई हैं जिससे खिलाड़ियों का एक नीचे बेसिक पूल है वो बढ़ता जा रहा है और खिलाड़ियों में हमने खेलो इंडिया के माध्यम से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ड्रीम प्रोजेक्ट किया है कि वो ड्रीम जब तक सपना नहीं देखेगा तो वो पूरा कैसे होगा, तो सपना देखने का जब हमने एक उनको टारगेट दे दिया, आगे एक प्लेटफॉर्म दे दिया, तो उस सपने को एग्जीक्यूट करने का भी आगे प्लेटफॉर्म है, वो खिलाड़ी आगे आने वाले समय में और कामयाब होते जा रहे हैं। नाउ इट्स द टाइम ऑफ मेडल इज रेनिंग टुडे, तो हम हर फील्ड में अपने मेडल्स टैली को ऊपर करके लेके आएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है अभी अहमदाबाद में मैं कंपटीशन डायरेक्टर थी कबड्डी में, तो वहां पे ओपनिंग नेशनल गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में एक वर्ड बोला था जो मुझे आज भी लग रहा है कि वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं जिनका मेडल टैली में टॉप लेवल पे स्थान हो, तो आने वाले समय में भारत भी ऐसे ही कोशिश कर रहा है, हम खिलाड़ी भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत को मेडल टैली में टॉप पे लेके आए और भारत का नाम है पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में हम स्थापित हो जाएं। तो देखा आपने कैसे लोगों ने जोरों शोरों स्वागत किया, इनका देश में कैसे स्वागत किया गया है और बहुत ही खुश और गर्वान्वित हो रहे हैं लोग यहाँ पे, साथ ही इनका टारगेट है एशियन गेम में भी आगे अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। देखते रहिए निधि पाल के साथ कैमरामैन अंकित कुमार। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लगातार जारी है खबरों का सिलसिला।